17 सितंबर 2022 को भारत ने प्रोजेक्ट चीता गेंद नामीबिया से 70 साल के बाद भारत में 8 चीते मंगवाए हैं और अगले 5 सालों में ये नंबर 50 हो जाएगा और इस प्रोजेक्ट की कुल कॉस्ट 75 करोड़ आएगी, जिसमें से 50 करोड़ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा दिए जाएंगे। और इस प्रोजेक्ट के पीछे आईएएस ऑफिसर रंजीत सिंह की 50 साल की मेहनत है। साल 1973 में रंजीत सिंह ने ईरान से भारत में चीते लाने का ड्राफ्ट तैयार किया था और यूनाइटेड नेशन में इनकी पोस्टिंग और भारत में इमरजेंसी और ईरान में सरकार बदलने के कारण यह प्रोजेक्ट अधूरा रह गया था। साल 1985 में इनकी पोस्टिंग वापस भारत के मध्य प्रदेश में हुई और इन्होंने फिर से चीते लाने की कोशिश की, पर तब तक ईरान में चीतों की संख्या कम हो गई थी, जिससे वापस ये प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया। 2008 में वापस इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया, पर कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि कूनो वाइल्डलाइफ सेंचुरी में चीते नहीं सिर्फ लाइन बसाए जाएंगे और रिव्यू पिटीशन के तहत 2020 में कोर्ट ने भारत में चीते लाने की मंजूरी दी और इसके लिए रंजीत सिंह को 50 साल का समय लग गया। वीडियो से थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिले तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।